कोई रकम सत्ता में जो चेतन सत्ता जो भगवत अंश उसमें कोई दोष है ही नहीं, सर्वथा निर्दोष है, स्पर्श भी नहीं कर सकता है वो दोष, चेतन सत्ता को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। लेकिन गुण से संलिप्त होने का कारण जीव अपने स्वरूप विस्मृति के कारण वो गुण में संलिप्त हो गया है, अपने को मान रहा है वो मान्यता। जैसे मान लो हम लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी को भूत ने पकड़ा है, भूतग्रस्त हो गया, तो उस समय उसकी जो क्रिया कर्म जो भी है वो भौतिक क्रिया होती है, वो मनुष्य जो मनुष्य ऊपर सवार होता है भूत वो करता नहीं है, करता है सब भूत, है ना, उसका चलना बोलना उसका देखना देख करके पता चलता है रहती, ये तो स्वाभाविक नहीं है, ये तो अस्वाभाविक दिखता है, बोल खाना पीना भी शुद्ध आहार पर नहीं, उल्टा पल्टा जो भी मुंह आता है मुंह में भर देता है, जो एक भौतिक दिखने में लगेगा भौतिक, उसको बोलने का ढंग चलने का ढंग देखने का ढंग आँख मोटा मोटा हो जाता है। तो जो भी क्रिया हम देखते हैं वो दिखने लगता है जैसे वही कर रहा है, लेकिन वो नहीं करता है, करता है सब भूत, उसके ऊपर सवार हो जाता है, और हम देखते हैं क्या वो कर रहा है उसका क्रिया कर, तो फिर क्या होता है भाई, ये तो विपरीत स्थिति आ गई है, ये तो इसके अंदर जो क्रिया दिखने में आता है ये तो स्वाभाविक अस्वाभाविक है, तो गुणिन बुलाओ, तो गुणिन बुलाया जाता है, गुणिन आ करके वो जानता है जो वास्तविक है क्या मामला, झाड़ फूक दे करके समझ जाता है कि तो भूत सवार हो गया, तो बोलता है तू कौन है, तो बोलता है मैं फलाना पेड़ में रहता हूँ फलाना हूँ, बोल रहा है वो, लेकिन वो नहीं बोल रहा, बोल रहा भूत, हम तो देखते हैं ये बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, बोल रहा भूत, तो कब जाएगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तो अच्छा लग रहा है, तेरे को जाना पड़ेगा, तो फूक मारता है, फूक मारता है, अरे मैं चार मैं जा रही हूँ बाबा, तो भूत एक समय वो गुणिन जो ऐसे झाड़ फूक करता है, फिर जाके वो भूत विवश होकर के छोड़ करके चला जाता है। आपके कभी संपर्क में आए? हाँ थोड़ा सा आए थे कभी ऐसे, हाँ हम देखा है थोड़ा सा, तो तब उसका क्रियाकलाप फिर स्वाभाविक हो जाता है, तब हमको जानकारी होता है, और उसको पूछने से भी जे तेरे ऐसे हालत हो गया था तू जानता, बोलता मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, वो जानता ही नहीं जो ऐसा ऐसा हो गया है, कब भूत सवार हो गया कब भूत चला गया। ऐसा ही जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर माया रूपी भूत सवार होकर ये कर्म कर रहा है, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते, विवश कर देता है, विवश ना, जैसे चेतन सत्ता जीव जीवात्मा को आश्रय करके भूत क्रिया करती है ना, क्रियाशील क्रिया जो भी हो रही है सब भौतिक क्रिया, जीव आत्मा को विराट करता है ना, जीवात्मा के ऊपर माया शक्ति अविद्या माया शक्ति अपरा प्रकृति उसके ऊपर सवार हो जाता है, प्रकृति क्रियमान है, शांत एक रस है आत्मा उसमें, तो हम देखते हैं क्या जी जीवात्मा ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, प्रकृति प्रकृति एक क्रियमानानी प्रकृति ये माया प्रकृति एक क्रियमानानी ये पंच महाभूत, एक भूत नहीं पांच भूत सवार हो गया जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर, एक भूत पकड़ने से क्या स्थिति हो जाती है, क्या दुर्दशा होती है,
और यहाँ पास पास भूत का खप्पर में हम पड़ गए हैं, बताओ। पास पास महाभूत पंचभूत। तो ये जो क्रियाकर्म जो भी देखने में आता है, ये माया करती है, आत्मा नहीं करती है, ये भूत करती है, वो नहीं करता है। देखने में लगता है वही कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, भूत कर रहा है। जैसे भूत पकड़ने से ऐसे माया रूपी भूत सवार हो गया जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर, हो करके प्रकृति क्रियमाना नहीं, उसके चैतन्य सत्ता के ऊपर सवार हो करके प्रकृति कर्म संपादन कर रही है। प्रकृति क्रियमाना नहीं, गुण कर्मानी सर्वस्व। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र देखो, अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण वो सोच रहा है मैं ही कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं करता है। उसका चेतन सत्ता का आश्रय करके भौतिक क्रिया जैसे चलती है, ऐसा ही माया रूपी भूत सब अविद्या माया रूपी भूत सवार होकर के तदात्मता लेकर के वो प्रकृति इस तरह से कर्म संपादन करा रही है। प्रकृति क्रिया मानानी है ना, यह है खेल है। माया में शामिल होकर जीव अपना स्वरूप विस्मृति के कारण, तब जब गुरु कृपा से महत कृपा से भगवत कृपा से जब उसका चेतन होता है, महत रूपी गुरु रूपी गुणीन के पास जाते हैं, तो गुणीन सब देखते हैं इसको अब छुराना है, तो उसको मंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं, साधन करते हैं। तो उसके धीरे 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 उसके अंदर भक्ति देवी की कृपा से सद्गुण अनुप्रविष्ट होना शुरू हो जाता है। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान, ये सब कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी। ये जो सद्गुण है भक्त के अंदर, ये जो सद्गुण राशि है, ये अप्रकृत मायाकृत नहीं है, अमायाकृत मायातीत गुणातीत भगवत कृपा से उसके अंदर ये सद्गुण आकर के अनुप्रविष्ट होकर के खिलने लगता है। ये साधन सापेक्ष नहीं, ये कृपा सापेक्ष। उसके अंदर कई गुण गीता में दिखा रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवित्त कामा दंदर विमुक्त सुगदुख संगर गच्छंत मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये जो कई गुण है, सात गुण दिखाए हैं, ये एक भी गुण कम होने से जा करके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। और सारे गुण तो बताए हैं बहुत सारे, और सारे सद्गुण बताए हैं बहुत सारे, लेकिन इसके यहाँ ये सात गुण की विशेष करके उल्लेख किए हैं गीता में। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवित्त कामा दंदर विमुक्त सुख दुख संग गच्छंत अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो परम पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक ये सद्गुण से अलंकृत नहीं होते हैं अंतकरण, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। हम कब तक यहां पड़े रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर ये सद्गुण राशि जो है, अभिमान, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान, इससे अतीत है हम भजनानंदी हैं, ये सब इसके भी इससे भी अतीत। इच्छा ही सब कुछ, इच्छा तो रहेगी जब तक स्वतंत्रता अनुस्वतंत्र चैतन्य सत्ता नहीं। देखिए यहाँ तो कहती है, वहां तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं। चैतन्य सत्ता का जो भगवत अंश, जो चेतन सत्ता, उसका थोड़ा सा इच्छा शक्ति रहती है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति वो चाहे तो माया के तरफ भी आ सकता है, चाहे तो भगवान के पास भी जा सकता है। वो इच्छा शक्ति रहती है, इच्छा जहाँ आत्मा की,
स्वतंत्र अनुस्वतंत्र सत्ता होने के कारण उनमें अनुस्वतंत्र चेतन सत्ता थोड़ा सा इच्छा रहती है, और इच्छा माया उन्मुखी हो जाती है तो माया में लिप्त होकर संसार चक्र में घूमता है। मन की क्षति आत्मा की, आत्मा की मन की क्षति जाती है, जो हो जाता है वो जोग हो जाता है, वो विलय हो जाता है, नहीं तो कर्म होगा नहीं, कर्म निष्क्रिय रहे तो कर्म होगा नहीं। फिर इच्छा के साथ जब प्रकृति के साथ तादात्म्यता आ जाती है तभी जाके प्रकृति सक्रिय हो जाती है। प्रकृति तो प्रकृति जो माया है ये तो कुछ नहीं कर सकती है ना, स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकती है। जब ये परा प्रकृति के साथ संलिप्त होता है तब परा प्रकृति को आश्रय करके ये क्रियाशील होती है। भगवान भी अपना स्वरूप शक्ति भगवान, और भगवान जब प्रकृति से अलग होकर के प्रकृति के साथ जुड़ करके दोनों मिल करके जब आनंद लीला करते हैं तो भगवान की ये सच्चिदानंद लीला चित जगत में भगवान वो लीला करते हैं। लेकिन जहां प्रकृति पुरुष के कोई भेद नहीं, तादात्म्य होकर के एकीभूत होकर के साम्यावस्था में रहती है, यह है भगवान का निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। बाबा समझ जाएंगे, ये सब कुछ समझ नहीं पाएगा। हम जो कह रहे हैं इसका खैर हमको भी समझ नहीं है, बाबा ये बहुत निगुड़ो विषय है, प्रभु कलयुग ये बहुत निगुड़ो विषय सबका हो रहा है, वो बाद में सब। जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग होकर प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के खेलते हैं तो भगवान सच्चिदानंद रूप में नित्य काल के लिए नित्य धाम में खेल रहे हैं, आनंद लीला प्रकट करते हैं, है ना आनंद। जब प्रकृति पुरुष साम्यावस्था में रहती है, साम्यावस्था एकदम एक ही भूत होकर के रहती है तो भगवान निर्गुण निर्विशेष, ओ निर्गुण निर्विशेष प्रकाश। और जब प्रकृति पुरुष अलग हो जाते हैं तो सगुण सविशेष प्रकाश। निर्गुण उपासना में कोई भेद तो नहीं रहता प्रकृति ना, प्रकृति पुरुष कोई भेद नहीं, वो अभेद स्वरूप वहाँ एक आनंद में सत्ता मात्र, उसका कोई वर्णन नहीं होता है, अवर्णनीय वो तत्व सत्ता। वो जो ब्रह्म उपासना करते हैं वो वहाँ उस स्थिति में पहुंच करके वो सोचते हैं इसके आगे और कुछ है नहीं, यही चरम परम आनंदमय यही अंतिम स्थिति। वास्तव तो में ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी बातें नहीं आती है, प्रसंग नहीं आता है, ये साधना से प्रसंग नहीं आता है। इसमें साधना निशेष उपासना में इसे प्रसंग नहीं आता है। तो जब साधक साधन करना शुरू करते हैं तो भगवत शरणागत होने के कारण फिर भगवान कृपा करके उनके हृदय में भक्ति रूपी बीज बपन कर देते हैं, कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी। तब तो जाकर के ये जो दिव्य गुण राशि है, निर्माण अभिमान शून्य, अभिमान रहता ही नहीं है, जड़ी अभिमान एक ही अभिमान रहती है, थोड़ा सा चिद अभिमान, एक जड़ अभिमान एक चिद अभिमान, अभिमान का दो वृत्ति, अभिमान निर्मूल होना संभव नहीं है। एक अभिमान है मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं पंडित हूँ, मानी हूँ, धनी ज्ञानी कुलीन आदि जो भी अभिमान है ये जड़ी अभिमान, जड़ अभिमान। और एक है चिद अभिमान, वो चिद अभिमान रहेगा, चिद अभिमान नष्ट नहीं होता है, उसको नष्ट करना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ जाकर के कोई अभिमान नहीं, कोई इच्छा तक, इच्छा को भी समाप्त कर देते हैं साधक, जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति जो है उसमें क्या होता है, वो चीज इच्छा को भी समाप्त कर देते हैं, इच्छा ही नहीं, वो विलय कर देते, इच्छा ही नहीं तो कुछ रहता ही नहीं, तो निर्गुण निर्विशेष प्रकाश हो जाता है, इच्छा को भी समाप्त कर देते हैं, इच्छा भी रहेगा नहीं, इच्छा ही विलय कर देती है। और यहाँ चिद इच्छा
ओ चिद इच्छा क्या? नहीं, हम जुगल किशोर का सेवा में जाना है हमको। तो चिद इच्छा जो है ये इच्छा होनी चाहिए, जो हम चिद इच्छा मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये भावना लेकर के मैं मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत दिव्य चैतन्यमय आनंदमय शुद्ध सत्यमय राधा रानी की हूँ, और तदनुसार अपने स्वरूप चिंतन के साथ राधा कृष्ण जुगल विलास लीला चिंतन करना, यह हमारे साधन पद्धति चिद इच्छा। चिद इच्छा को बढ़ाना है, हाँ ना, इच्छा से ना होता है, उसमें धीरे 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 प्रकाश होना शुरू हो, जब जितना अंतकरण शुद्ध होता है भजन करते करते तो प्रकाशित होना, अज्ञान रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार हट जाता है तो प्रकाशमान होना शुरू हो, प्रकाश हो। तो धीरे धीरे उसके अंदर ही सद्गुण उसके अंदर प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग सहित आलोचना की है, अध्यात्म नित्ता ये भी आलोचना की है, विनिवृत्त कामा आवया ये कामना जो है इसका पूर्ण निवृत्ति, कामना एक माने जोड़ियो कामना, जड़ विषय कोई भी कामना, ये कामना जब तक रहेगा, कामना चार प्रकार, एक सात्विक कामना, एक राजसिक कामना, एक तामसिक कामना, एक निर्गुण कामना, ये बादल करा जाए क्या जी। सात्विक कामना है मंदिर बनाएंगे, एक आश्रम बनाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, इत्यादि सेवा करेंगे, हम प्रचार करेंगे, हम जगत कल्याण करेंगे, ये सब अच्छा है, सुंदर है, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के, समाज सेवा के लिए ये अच्छा है, इसके योगदान जो है अच्छा है, इसके लिए उसको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन आना पड़ेगा। कोई कहेंगे भाई ये इच्छा क्या नहीं करना चाहिए, हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, तुमको करना है, जन्म लो, आते रहो, कर्म मंगल में कर्म करते रहो, भगवान तो चाहते हैं हमारे ऐसे भक्त होना चाहिए जो ऐसे संकल्प लेकर के आएंगे, जगत मंगल करेंगे, हम भक्त के द्वारा अपना मंगलमय कार्य संपादन करेंगे, लेकिन आना पड़ेगा, तुम्हारा संकल्प है, बोले भगवान क्यों उसको ऐसे क्यों, बोले तुमने संकल्प किया ना, संकल्प हमें एक मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुमको आना पड़ेगा। बाबा यहाँ के प्रश्न है, या सिर्फ ठाकुर जी के पित्यार्थे या गुरु जी के पित्यार्थे, जैसे कोई महत्पुरुष के पित्यार्थे कोई अगर सेवा भाव लेके काम करे तो फिर भी उसको आना पड़ेगा, वो भावना अलग, हुआ नहीं हुआ उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका संकल्प ही नहीं, वो कर रहे हैं तुम्हारे पित्यार्थे, अचानक वो कर्म हुआ नहीं तो उसका कोई फर्क नहीं होती, तुम्हारी इच्छा, हमारा मामला नहीं है, तुम्हारा मामला है, ये तुम्हारा मामला, इससे हमारा कोई, हमारा एकमात्र इच्छा, हमारी हृदय की एकमात्र इच्छा, हमारी एकमात्र तमन्ना है, इसे जन्म में हम यहाँ चलेंगे फिर लौट के नहीं आएंगे, बस तुम्हारे चरण कमल सेवा प्राप्ति करके हम तुम्हारी सेवा में रहेंगे नित्य काल के लिए। वो ये जो मंदिर बस समझ जो भी हो रहा है हाँ प्रभु के, वो हमारे द्वारा इस शरीर को जो करा रहे हैं ठीक है, अगर बंद हो गया तो उसमें हमारा फर्क नहीं पड़ता, क्यों प्रभु की इच्छा, वो हमारा चिंता क्यों होगा, चिंता हो गया तो तुम्हारी इच्छा है, जब प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु करा रहे हैं जान करके, तुम जब संकल्प करके तुम जब कर्म करते हो तो तुम्हारी इच्छा है, और जब संकल्प ही नहीं करा रहे हैं प्रभु की इच्छा, जैसे करोड़पति घर के नौकर प्रभु का काम करते हैं, मालिक का करोड़ रुपया आमदनी होने से उसका आनंद नहीं होता है, मालिक का करोड़ रुपया नष्ट होने से उसका कष्ट नहीं होता है, मालिक हमारा अब तो नौकर है। तो ऐसा ही भक्तों एकदम समर्पित होकर के कोई संकल्प रहित
होगा ठीक है बढ़िया है, नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, हाँ हमारा क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी सृष्टि है, तुम पलक में करोड़ों मंदिर निर्माण कर सकते हो, पलक में पूरा सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हो, पलक में तुम कितना करोड़ों मंदिर रचना कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम, इसमें हम कौन सा अभिमान लेके ये चिंता करते हैं कि हमको ये करना है, कितना बड़ा भूल, तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा अपना मन को संयम करने में तुम असमर्थ हो, फूटा पैसा के लिए तुम्हारा चिंता हो जाता है, तुम क्या कर सकते हो, तो ये तो अभिमान मात्र, अपनी छाया जाती है, दूसरा करने में अपनी छा जाती है, अपने भी नाम की भूख हो जाती है। अब जो प्रेम सरोवर में जो जगह है वो तो आपके गुरु स्थान है, बढ़िया है, तो वहाँ मंदिर का जो निर्माण है अब उसमें कोई बाधा आ जाए तो आप, हमारा फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कभी बने नहीं बने, अभी बोल दीजिए कभी बनेगा नहीं, हमारा कोई, हम जैसे थे ऐसे ही हैं अभी तक, नवद्वीप में अभी वो बंद हो जाए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है अच्छा है तुम्हारी इच्छा, करोगे तो हो तुम ही करोगे, हम मीडियम है, नहीं करोगे तुम्हारी इच्छा, हमारा क्या फर्क पड़ता है, तुम सर्वशक्तिमान, हमारी इच्छा से क्या हो सकती है, ये तो अभिमान मात्र, तो यह है सात्विक इच्छा, ये सात्विक इच्छा जो है, जो हमको ये करना है, ये करना है, मंदिर करना है, हमको धर्म आश्रम करना है, हमको भगवत शब्द करना है, हमको प्रचार करना है, जगत कल्याण करना, अच्छा है सुंदर है, लेकिन तुमको आना पड़ेगा, और राजेश इच्छा तो आप ही की बनी थी कि मतलब वो ऐसा हो, इच्छा माने क्या, एक हो जाए तो ठीक है, प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा के माध्यम करके अगर प्रभु अपना कर्म करा ले ठीक है, नहीं करे तो वो भी अच्छा है, करे तो वो भी अच्छा, नहीं करे वो भी अच्छा, अगर कोई निम्न साधक अगर ये सोच ले तो, कोई निम्न साधक, कोई साधारण साधक हम जैसे, तब ये सोच जो आपकी है ये तो हमारी थी। भाई ये तो आप अपना अपना सोच है, ये सोच कभी जोर करके थोड़ी होता है ना, जोर करके कुछ तुम बदल सकते हो, हमारा भावना ऐसी है, इसीलिए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी चिंता ही होती नहीं है, हमारा कोई देखा कभी आग्रह देखा हमारा, हमारा कोई आग्रह ही नहीं है, अगर बन गया तो बहुत सुंदर, नहीं बना तो अति सुंदर। बाबा संग दीक्षा होती है, बहुत चर्चा हो, बहुत का प्रसंग हो, बहुत बनना है, दीक्षा हो भी करेगी, आश्रम बने, मंदिर बने, कुछ ही बने, न बनना ठीक है, मंदिर ठीक है, चाहते स्वाभाविक इच्छा है, नहीं करेगा। फिर राजस्व की इच्छा है तुम्हारा, घर मकान दुकान अच्छा सुंदर बनाना है, ये खाना पीना सब अपने कुटुंब परिवार पालन पोषण आदि सुंदर ढंग से, पैसा हो धन हो कौड़ी हो इत्यादि सुख सुविधा आदि, ये सब इच्छा जो है यह राजसिक इच्छा, और तामसिक इच्छा है इंद्रिय भोग इच्छा, इंद्रिय भोग लालसा, ये तीन प्रकार, और निर्गुण इच्छा है, और निर्गुण ये भी इच्छा, निर्गुण इच्छा कौन सा इच्छा, नहीं इसी जन्म में हम कुछ नहीं चाहिए, हम जब चले जाएंगे हे राधे तुम हमको तुम्हारे चरण कमल में हमको ले चलो, बस तुम्हारी सेवा चाहिए हमको, बस तुम्हारी सेवा ही हमारी एकमात्र काम्य वस्तु है, और कुछ नहीं चाहिए, यह निर्गुण इच्छा, ये निर्गुण इच्छा होनी चाहिए, ये इसको बनाना चाहिए, और सात्विक राजसिक तामसिक तीनों इच्छा बंधन का कारण, समझ गया, तीनों इच्छा बंधन का कारण। तो निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिमित्त कामा, ये जो कामना है मानी सात्विक राजसिक तामसिक त्रिविध कामना जो है, ये कामना जो है ये बंधन का कारण है, ये कामना का एक भी कामना तुम्हारे भीतर है तो जाके मान लेना तुमको आना पड़ेगा। पदम अव्ययम तत् वो अव्यय पद प्राप्त करना मुश्किल है, अब तुम चिंता करके देखो क्या क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है, उस अव्यय पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा हृदय कहाँ कहाँ तुम्हारे कामना है, बंधन है, इच्छा है, चेष्टा है, ये देख करके तुम चिंता करो।
अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो विचार पूर्वक धीरे धीरे मन से हटाने का कोशिश करना चाहिए, ये तो बंधन का कारण है। अच्छा, काल फिर चलेंगे आगे।